दोस्तों अगर आप लोगों ने भी फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर किया है और आप लोग उसको रिटर्न या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग फ्लिपकार्ट से किए गए ऑर्डर को रिटर्न कैसे करेंगे या अगर आपको कोई गलत प्रोडक्ट आ चुका है, टूटा फूटा है, तो आप लोग उसके बदले में नया प्रोडक्ट कैसे मंगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट को कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अकाउंट के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑर्डर्स के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके रिसेंट ऑर्डर्स आ जाएंगे जो भी आप लोगों ने इस आईडी से मंगा कर रखे होंगे। 17 फरवरी को ये शूज़ मंगाए थे जो कि हम इसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अपने ऑर्डर पर। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ऑर्डर की समरी आ चुकी है और यहाँ पर लिखकर आ गया कि ऑर्डर डिलीवर हो गया 17 फरवरी को। ठीक है, अब दोस्तों यहीं पर आपको नीचे लिखा हुआ दिखेगा रिटर्न पॉलिसी वैलिड टिल 27 फरवरी, मतलब कि 27 फरवरी तक हम इस ऑर्डर को रिटर्न कर सकते हैं, उसके बाद रिटर्न नहीं होगा। उसी के नीचे आपको यहाँ पे एक रिटर्न का बटन दिख रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, रिटर्न के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको एक रीज़न देना पड़ेगा कि आप लोग इसको क्यों रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपको ये रेड कलर में ये मतलब एक इमोजी दिख रहा है रेड कलर में, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब कि जो हमने प्रोडक्ट सोचा था वैसा प्रोडक्ट नहीं निकला, तो हम सिंपल से इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको इनमें से कई सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट में क्या लिखना है, आई डोंट नीड दिस प्रोडक्ट। ठीक है, आपको 5 शब्द लिखने हैं, वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, एक आ रहा है रिप्लेसमेंट का, एक एक्सचेंज का, एक रिफंड का। ठीक, अब दोस्तों अगर आप लोग इसको एक्सचेंज करना चाहते हैं तो एक्सचेंज कर लीजिए, रिप्लेस करना चाहते हैं रिप्लेस कर लीजिए, एंड अगर आप लोग रिफंड करना चाहते हैं मतलब इसका पैसा लेना चाहते हैं तो आप लोग रिफंड पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा गिफ्ट कार्ड का जो कि पेटीएम के गिफ्ट कार्ड में जाएंगे, और एक आएगा बैंक अकाउंट या UPI, और आएगा एक बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आप लोग मेरी माने तो आप लोग बैंक अकाउंट बाई UPI करेंगे क्योंकि इसमें आपका पैसा जल्दी आ जाता है। अब यहाँ पर आपको आने के बाद अपनी UPI ID एड न्यू UPI ID पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपकी UPI ID ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी पहले से ऐड है, हम क्या करेंगे इसी UPI ID को क्लिक कर देंगे। हमारी UPI ID ऐड हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एड्रेस दिखेगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपको सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया आप दोस्तों देख सकते हैं लिखकर आ रहा है कि हाउ विल यू रिक्वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारा ऑर्डर पिकअप होगा, उसके बाद हमें रिफंड मिल जाएगा। ठीक, आपको सबमिट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना है, देन वूम आपका यहाँ पे ऑर्डर रिक्वेस्ट जो है रिटर्न के लिए लग चुकी है और कल या परसों में 1-2 दिन के अंदर आपको ऑर्डर वहाँ से ले जाएगा अगर डिलीवरी बॉय, एंड आपका पैसा भी 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने किसी भी ऑर्डर को फ्लिपकार्ट से रिटर्न कर सकते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं एक्सचेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको रिटर्न किया है और बड़ी आसानी से हमने इस ऑर्डर को रिटर्न कर लिया। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि न्यू वीडियो में।